प्रशासनिक सेवा दिवस रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन राष्ट्र निर्माण रे प्रशासनिक कर्मचारी अवदान को प्रशंसा करिसेंती प्रधानमंत्री देशर जनता सेवे प्रशासनिक कर्मचारी योगदान प्रेरणादायी विश्व में भारत को एक दृढ़ राष्ट्र भाव में परिचित कराइबारे ब्यूरोक्रेट्स मानकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण बोली कहिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। ये कह रही है कि भारत का समय आ गया है, इंडियाज टाइम हैज अराइव्ड। ऐसी स्थिति में भारत की ब्यूरोक्रेसी को एक भी पल गंवाना नहीं है। आज मैं भारत की ब्यूरोक्रेसी से, भारत के हर सरकारी कर्मचारी से, चाहे वो राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार में, मैं एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं। देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, आपको मौका दिया है, उस भरोसे को कायम रखते हुए काम करिए। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि आपकी सर्विस में आपके निर्णयों का आधार सिर्फ और सिर्फ देश हित होना चाहिए। हो सकता है फील्ड में आपको किसी एक व्यक्ति के लिए कोई फैसला लेना हो, किसी एक समूह के लिए कोई फैसला लेना हो, लेकिन तब भी आप ये जरूर सोचें कि मेरे इस निर्णय से, निर्णय भले ही छोटा क्यों ना हो, मेरे इस निर्णय से देश का क्या भला होगा। यानी आपके लिए कसौटी देश हित ही है। और मैं आज भारत की ब्यूरोक्रेसी के लिए इस कसौटी में एक और बात जोड़ना चाहता हूं। मुझे विश्वास है आप इस कसौटी पर भी खरा उतरेंगे। साथियों, किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व होता ही है और यह आवश्यक भी है, और ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। हर दल की अपनी विचारधारा होती है, संविधान ने हर दल को ये अधिकार दिया है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर, अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है, ये आप लोगों को देखना ही होगा। दोस्तों, वो राजनीतिक दल अपने दल के विस्तार में सरकारी धन का उपयोग कर रहा है या फिर देश के विकास में उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या फिर सभी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है, वो राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को ही विभिन्न संस्थाओं में नियुक्त कर रहा है या फिर सबको पारदर्शी रूप से नौकरी में आने का अवसर दे रहा है, वो राजनीतिक दल नीतियों में इसलिए तो फेरबदल नहीं कर रहा ताकि उसकी आकाओं की काली कमाई के नए रास्ते बने। आप अपने हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें। सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा करते थे, उसी ब्यूरोक्रेसी को उनकी अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है, क्योंकि अब अगर ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो देश का धन लूट जाएगा, टैक्स पेयर्स मनी तबाह हो जाएगा, देश के युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। साथियों, जो युवा बीते कुछ वर्षों में या पिछले दशक में देश की सिविल सेवा से जुड़े हैं,
उन्हें मैं कुछ बातें विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। आप भी जानते हैं कि जीवन जीने के दो तरीके होते हैं, पहला गेटिंग थिंग्स डन और दूसरा लेटिंग थिंग्स हैपन। पहला एक्टिव एटीट्यूड है और दूसरा पैसिव एटीट्यूड का प्रतिबिंब है। पहले तरीके से जीने वाले व्यक्ति की सोच होती है कि हां बदलाव आ सकता है, दूसरे तरीके में विश्वास करने वाला व्यक्ति कहता है ठीक है रहने दो, सब ऐसे ही चलता है, पहले से भी चलता है आगे भी चलता रहेगा, वो तो अपने आप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। गेटिंग थिंग्स डन, ये यकीन रखने वाले आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं। जब उन्हें टीम में काम करने का अवसर मिलता है तो वो हर काम का ड्राइविंग फोर्स बन जाते हैं। लोगों के जीवन में बदलाव लाने की ऐसी ज्वलंत इच्छा से ही आप एक ऐसी विरासत छोड़ जाएंगे जिसे लोग याद करेंगे। आपको ये भी याद रखना होगा कि एक अफसर के रूप में आपकी सफलता इस बात से नहीं आंकी जाएगी कि आपने अपने लिए क्या हासिल किया, आपकी सफलता का आकलन इस बात से होगा कि आपके काम से, आपके कैरियर से दूसरों का जीवन कितना बदला है। जिनका जीवन बदलने की जिम्मेदारी आपके पास थी, वे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए आपको ये हमेशा याद रखना है, गुड गवर्नेंस इज द की। जब पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस होती है, जब डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नेंस होती है, तो वो समस्याओं का समाधान भी करती है और बेहतर रिजल्ट भी देती है।